नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के टॉपिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 11 में आज अपन एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि अपन ने लेक्चर नंबर 10 में किया था उसी कॉन्सेप्ट पर है। अर्थात अपन को क्या करना है, उसी थ्योरम को प्रूव करना है यूजिंग दिस फंक्शन। और आपके पास में जो कंटूर दे रखा है, क्लोज कर्व दे रखा है, वो आपके पास में एक स्क्वायर है जिसके शीर्ष आपके पास में ये दे रखे। लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उस क्वेश्चन में भी एक स्क्वायर था जिसके वर्टेक्स यही थे, लेकिन फलन था वो था आपके पास में 5 sin 2z। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन चेंज हुआ है, बाकी सब एज इट इज है। तो अपन ज्यादा नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं और फिर अपन आगे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसको कर्व को बढ़ा देते हैं। तो अपने पास में कर्व क्या दे रखा है, 1 ± i। अर्थात इसको यदि अपन कोऑर्डिनेट रूप में लिखे तो क्या होगा, 1, 1 और 1, -1, और यहाँ होगा -1, 1 और -1, -1। तो देखिए, यदि अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर इसको बढ़ाने जाएं, मान लीजिए ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके अंतर्गत यदि बढ़ाने जाए तो कर्व क्या बनेगा आपके पास में, देखिए ये पॉइंट होगा, ये मान लीजिए आपके पास में कोई पी पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास में ए है, ये पॉइंट आपके पास में सी है और ये पॉइंट आपके पास में डी है। अब देखिए ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अर्थात इसको अपन कहते हैं रियल एक्सिस और इसको कहते हैं ऊपर वाले को इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अब बात सुनो, इसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो इसके रिलेशन क्या होंगे, 1, 1 या फिर अपन लिख सकते हैं 1 + i। ठीक है, इसके होंगे आपके पास y नेगेटिव x पॉजिटिव, तो क्या होगा 1, -1 और इधर दोनों साइड में आपके पास में x नेगेटिव, तो ये होगा -1, 1 और ये होगा आपके पास में -1, -1। ठीक है, क्योंकि x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। अब काश मान लीजिए अपन a से स्टार्ट करें, तो कर्व अपन इस प्रकार लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मान लीजिए ये डायरेक्शन अपने सेलेक्ट किए, तो ऐसे आके आपके पास है वापस यहां आएगा, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ए से स्टार्ट करता हूं, ए से जाकर बी पर यदि आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर एक्स का मान है वो 1 है, क्या है, एक्स का मान है वो आपके पास में 1 है, अर्थात एबी लाइन के अंदर एबी जो है लाइन, इसमें एक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक्स का मान यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, अर्थात x में परिवर्तन कितना है, 0। तो यहां पर dx का मान क्या आएगा भाई, 0 आएगा। अब देखिए b से लगाकर c तक y का मान आपके पास में कांस्टेंट 1 है, अर्थात इसमें y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो dy का मान 0 होगा और इस लाइन के अनुदिश x का मान आपके पास में -1 है और इस लाइन के अनुदिश आपके पास में y का मान है वो -1 है। ठीक है, तो देखिए अपन इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो मैं यहीं दिखा देता हूं आपको, पहले तो यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके सॉल्यूशन को। अब देखिए मैं पहले बात करता हूं, मुझे प्रूव क्या करना है, कोसी इंटीग्रल थ्योरम प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री अपन क्या कह सकते हैं, वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा है भाई, यहां से क्योंकि सी एक वर्ग है, तो वर्ग कौन सा है, ए बी सी डी, या तो लिख लो सी या सी का मान लिख लो ए बी सी और डी, एफ ऑफ जेड डी जेड, एफ ऑफ जेड का मान क्या है भाई, 3z² प्लस आयोटा जेड माइनस 4 × dz, ये आपके पास में इंटीग्रेशन और एफ ऑफ जेड डी जेड का मान आपको 0 प्रूव करना है, क्योंकि कोसी प्रमेय, और कोसी प्रमेय क्या कहते हैं, किसी भी क्लोज कर्व
जिसके अंतर्गत फंक्शन प्रत्येक बिंदु पर एनालिटिक हो, उस कर्व के अंदर इंटीग्रेशन का मान हमेशा जीरो होता है। तो ये अपन को प्रूव करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी यूजिंग फाइनाइट डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन की लिमिट a से b f ऑफ z dz, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके पास है, मान लीजिए एक बार f ऑफ z कर लेते हैं ताकि बार बार अपने को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं मान लेता हूं हेयर आपके पास में, यहां लिख लेते हैं अपन हेयर f ऑफ z बराबर 3z स्क्वायर प्लस आयोटा z माइनस 4, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन आवर c बराबर a b c d स्क्वायर है, इसके अंदर का जो f ऑफ z dz का मान होगा वो इंटीग्रेशन आवर a b f ऑफ z dz प्लस इंटीग्रेशन आवर b से c f ऑफ z dz और प्लस आपके पास में इंटीग्रेशन आवर c से d, इंटीग्रेशन आवर c से d f ऑफ z dz और प्लस इंटीग्रेशन आवर d से a, तो d से a f ऑफ z dz, इसको मैं समीकरण मान लेता हूं एक, ठीक है। ये अपना समीकरण आ गया। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन तो मेरे पास है क्या है ये, लेकिन मुझे लिमिट निकालनी पड़ेगी। जब ab के अनुदिश है तब लिमिट क्या आएगी और अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो या तो x को y में या y को x में कन्वर्ट करेंगे। यदि कोई एनी कर्व है और कोई स्ट्रेट लाइन है जिसमें x या y के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अपन सीधा उसको जीरो करके पहले सॉल्व जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूं ऑन लाइन AB, ठीक बात। तो यहां पर देखिए अपन लिख लेते हैं ऑन लाइन AB, ठीक है। AB लाइन पर आपके पास में क्या हो रहा है, x का मान 1 है, implies that dx का मान क्या होगा भाई 0। अरे भाई यहां से यहां तक जाने में x के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यहां पर भी x का मान 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, अर्थात x में परिवर्तन कितना 0। और y का मान कहां से कहां तक जा रहा है माइनस 1 से 1 तक, एंड y varies from y बराबर माइनस 1 टू y बराबर प्लस 1। एंड अब देखिए यहां पर जो dz होता है अपन यहां लिख लेते हैं, z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा y और dz बराबर होता है dx प्लस आयोटा dy, यह अलग से बता रखा है। तो जब dx का मान 0 है तो dz का मान क्या है आयोटा dy, तो यहां आएगा dz बराबर आयोटा ऑफ dy, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ऑन लाइन BC, ऑन लाइन BC y का मान 1 है, इंप्लाइज दैट y में कोई परिवर्तन नहीं, तो dy का मान 0, यहां से यहां तक आने में y के बाद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एंड x varies from x बराबर x कहां से कहां तक जा रहा है 1 से माइनस 1, तो 1 to x बराबर माइनस 1 एंड dz का मान भाई dy 0 है तो क्या आएगा dx आ जाएगा। अब देखिए दो लाइन और अपन को बात करनी है ऑन लाइन cd, तो यहां मैं बात करता हूं ऑन लाइन cd क्या होगा, x का मान माइनस 1 है, implies that dx का मान 0 एंड y varies from y बराबर कहां से कहां तक y का मान 1 से माइनस 1 तक, y बराबर 1 to y बराबर माइनस 1 एंड dz का मान जब dx 0 है तो आयोटा dy। अब अपन लास्ट लाइन की बात करते हैं ऑन लाइन cd हो गया da, तो da में क्या होगा भाई y का मान माइनस 1 है, y बराबर माइनस 1 इंप्लाई दैट dy में कोई y में कोई परिवर्तन नहीं एंड x वेरीज फ्रॉम कहां से कहां जा रहा है भाई x का मान माइनस 1 से 1 जा रहा है, तो x वेरीज फ्रॉम x बराबर माइनस 1 टू x बराबर 1 और dz का मान आपके पास में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा।
तो ये चारों अपन ने लाइन के अनुदिश इंटीग्रल निकाल दिए, एफ ऑफ जेड भी निकाल दिया और बी जेड भी निकाल दिया। ठीक बात, अब मेरी बात सुनिए, अपना फंक्शन क्या कह रहा है, एफ ऑफ जेड बराबर 3z² प्लस आयोटा जेड माइनस 4। इसको मैं एक्स या वाई में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 3 × x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई और माइनस का 4। ठीक है, ये आपके पास है, मैंने क्या किया, जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई और यहां पर भी जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मैं बात करता हूं समीकरण एक की। ठीक है, तो बात सुनिए इधर, समीकरण वन इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ सी 3z² प्लस आयोटा जेड माइनस 4 इंटू डी जेड, इसका मान क्या आएगा। सबसे पहले एबी की अनुदिश, तो एबी की अनुदिश एबी कहां है भाई, ये dx का मान 0 है, वाई वेरी हो रहा है, अब वेरी कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, तो लिमिट किसके अनुदिश अपन लगाएंगे, वाई के अनुदिश, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन वाई के अनुदिश होगा, एक्स तो फिक्स है। तो देखिए वाई का मान कहां से कहां जा रहा है, माइनस 1 से 1, तो माइनस 1 से 1 फंक्शन में क्या आएगा, देखिए 3 × x प्लस आयोटा वाई, एक्स का मान क्या है 1, 1 प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स का मान 1 प्लस आयोटा वाई माइनस 4। ठीक है, और क्या आ जाएगा, डी जेड की जगह आयोटा डी वाई। अब बात सुनिए, फिर आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ बीसी, तो इंटीग्रेशन ऑफ बीसी को मैं यहां लिखता हूं, बीसी कहां से कहां है भाई, बीसी कहां से कहां जा रहा है, एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to -1, 1 to -1, लेकिन एक्स कर रहा है, वाई का मान क्या है, वाई का मान 1 है। ठीक है, तो वाई का मान 1 रखो, देखिए 3 × x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा माइनस 4 और dx, अरे भाई x की जगह x, y का मान 1 रखेंगे, x प्लस आयोटा और यहां पर भी x प्लस आयोटा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन आवर cd, तो cd कहां ये है, तो y वेरीज फ्रॉम 1 टू माइनस 1 और 3 × x का मान माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा वाई माइनस 4 इंटू डी जेड का मान आयोटा डी वाई, तो ये हो गया आयोटा डी वाई। ठीक है, और फिर अपन बात करेंगे इंटीग्रेशन आवर डी ए, क्योंकि ये तो आप पूछे, अब यहां लिखते हैं इंटीग्रेशन आवर डी ए, तो डी ए के अर्थ मान क्या रहा है, एक्स वेरीज कर रहा है -1 to 1। ठीक है, माइनस 1 टू 1 करेंगे और y का मान माइनस 1, तो ये हो गया 3 × x माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा माइनस 4 इंटू डी जेड का मान आपके पास में dx, ये वैल्यू आपके पास में आ गई। अब अपन को इसको सॉल्व करना है और जीरो लाना है, क्योंकि वी हैव टू प्रूव, मैं लिख लेता हूं, वी हैव टू प्रूव अपन को क्या सिद्ध करना है भाई, कि इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड का मान है वो जीरो आना चाहिए, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, ये बात अपन को सिद्ध करनी है, ये गाड़ी है तो ये आपके पास है वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो अब देखिए, ये भी इंटीग्रेशन आयोटा डी वाई के रेस्पेक्ट में, ये भी इंटीग्रेशन आयोटा डी वाई के रेस्पेक्ट में, ये भी डी एक्स के रेस्पेक्ट में और ये भी डी एक्स के रेस्पेक्ट में, इनमें से मैं कॉमन कब ले सकता हूं, जब इसमें से अपनी लिमिट दोनों की सेम हो जाए, तो इसकी लिमिट माइनस 1 से 1 है और इसकी लिमिट 1 से माइनस 1 है, तो इसको मैं माइनस 1 से की लिमिट चेंज करता हूं तो यहां बाहर माइनस आ जाएगा। अरे भाई डेफिनेट इंटीग्रल के अनुसार यदि अपन लिमिट में परिवर्तन करते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अपन ट्राई करते हैं, बराबर मैं पहला इंटीग्रेशन एज इट इज लिख रहा हूं, देखिए इंटीग्रेशन आवर माइनस 1 से 1, ठीक है क्या लिख रहा हूं, देखिए 3 × 1 प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर
और प्लस का टू आयोटा वाई और प्लस का आयोटा स्क्वायर वाई, ठीक बात। और फिर आपके पास में माइनस का फोर, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में कौन सा आयोटा डी वाई। अब मैं इसको लिखता हूं, देखिए इसको भी माइनस, ये प्लस है तो लिमिट चेंज करूंगा तो याद देखिए माइनस आ जाएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से वन थ्री और माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ये माइनस आयोटा, सॉरी माइनस वन होगा, आयोटा नहीं होगा, क्योंकि कौन सा है भाई ये आयोटा डी वाई आपके पास में ये है, तो वाई वेरीज फ्रॉम एक्स का मान माइनस वन है, ठीक है। तो माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का टू आयोटा वाई, माइनस का टू आयोटा वाई प्लस का ये देखिए आपके पास में। और अब मेरी बात सुनिए, ये हो क्या माइनस का वन का स्क्वायर वन आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का टू आयोटा वाई, और यहां पर देखिए ये हो गया आपके पास माइनस का आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का फोर इंटू आयोटा डी वाई। अब मैं बात करता हूं एक्स के अनुदिश, तो एक्स के अनुदिश माइनस वन से वन एक तो ये है, तो चेंज कर लेते हैं माइनस वन से वन थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस टू एक्स आयोटा प्लस एक्स आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा। देखिए ध्यान रहे ये इसके साथ में थ्री का मल्टीप्लाई और एक्स आयोटा माइनस और माइनस का फोर इंटू डी एक्स और ये इंटीग्रेशन एक्स के अनुदिश एक तो ये था एक एक्स के अनुदिश ये, इसकी भी लिमिट में माइनस वन से वन कर देता हूं इसलिए मैंने बाहर माइनस लगा लिया और ये हो गया थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू एक्स आयोटा और प्लस एक्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस फोर इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आपके पास में आ रही है, ठीक है। अब इसको अपन यहां सॉल्व करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, मुझे रफ करना पड़ेगा नहीं तो अपने पास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आप यदि ये लिख दिया हो तो इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं, चलो मैं नीचे से हटा देता हूं ताकि अपना काम आसानी से रहे। अब बात सुनिए अपन क्या करते हैं, चलो ऊपर से मैं यहां से आयोटा डी वाई और ये भी आयोटा डी वाई दोनों को बाहर ले लेता हूं, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड का मान होगा वो आपके पास में आयोटा मैंने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से वन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से वन हो गया और मैंने आयोटा यहां से भी बाहर ले लिया और यहां से भी। अब देखिए मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, थ्री प्लस थ्री आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन तो माइनस का थ्री वाई स्क्वायर और प्लस का सिक्स आयोटा वाई प्लस का सिक्स आयोटा वाई और प्लस का आयोटा और माइनस का वाई आयोटा स्क्वायर और माइनस का फोर, ठीक है। अब आयोटा बाहर ले लिया और ये माइनस, तो ये माइनस का थ्री, तो ये हो गया देखिए माइनस का थ्री और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन तो माइनस का वाई स्क्वायर और ये माइनस प्लस का वाई तो प्लस का थ्री वाई स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का थ्री वाई स्क्वायर। और देखिए ये बाहर वाला माइनस और ये अंदर वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया और ये देखिए आपके पास में कहां जा रहा हूं मैं, देखिए यहां कहां था भाई ये था, तो ये देखिए थ्री का माइनस थ्री और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन तो माइनस का थ्री वाई स्क्वायर और माइनस प्लस। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो तीन दूनी सिक्स आयोटा वाई प्लस के सिक्स आयोटा वाई प्लस के सिक्स आयोटा वाई और यहां यदि अपन बात करें तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये प्लस का आयोटा क्योंकि ये बाहर वाला माइनस है ना, ये अंदर जाएगा तो, और ये आयोटा स्क्वायर का मान देखिए माइनस वन, माइनस माइनस ये हो गया प्लस और प्लस और बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस, तो ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर।
ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एक अपने का मिस्टेक ही देखिए, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर था या सिर्फ वाई था आपके पास, देखिए अपन कहाँ कर रहे हैं प्लस आयोटा स्क्वायर वाई, और यहाँ पर आपके पास देखिए अपन ने कहा देखिए ये कौन सी वैल्यू, ये है तो ये माइनस थ्री आपके पास में कहाँ गया भाई, आयोटा डी वाई ये है, ठीक है। थ्री आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, और माइनस का आयोटा, और ये देखिए वाई स्क्वायर नहीं है सिर्फ और सिर्फ ओनली वाई है, ठीक है, क्योंकि आयोटा का माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, ये प्लस कहां से आ गया, मैंने माइनस कहां से लिखा, ये देखिए अपन ने कहीं कहीं मिस्टेक की है, ये आयोटा ये वे सॉरी अपन माइनस वन से पहले वन कौन सी वैल्यू ये है, और फिर अपन को इसको माइनस वन से किया तो थ्री वन का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू आयोटा वाई, और ये माइनस का आयोटा और ये प्लस का आयोटा स्क्वायर और वाई और माइनस का फोर, ठीक है। तो अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन, माइनस का वाई और बाहर और माइनस प्लस का वाई हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ये हो गया माइनस का चार और बाहर वाला माइनस प्लस के चार, ठीक है, और ये हो गया डी वाई, ठीक है, आयोटा मैंने बाहर ले लिया। अब अपन सॉल्व करते हैं प्लस माइनस वन से वन बी एक्स वाला, बी एक्स वाई कौन सा है भाई, डी एक्स का, डी एक्स का एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस वन से वन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस टू एक्स आयोटा प्लस एक्स आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस फोर, और इसकी अपन चेंज करेंगे लिमिट कहां गया ये, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स आयोटा प्लस ये आपके पास में इसमें सही है। तो देखिए सबसे पहले लिखता हूं मैं, तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर का मान माइनस और माइनस थ्री और माइनस का सिक्स एक्स आयोटा, ठीक है, और प्लस का एक्स आयोटा, तो ये हो गया प्लस का एक्स आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन माइनस माइनस प्लस का वन और ये माइनस का फोर, ठीक है। और अब अपन बात करेंगे ये माइनस, तो ये हो गया माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, देखिए भाई ये थ्री एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का माइनस वन और माइनस बाहर लगा प्लस, तो प्लस का थ्री, तो ये हो गया प्लस का थ्री टू एक्स आयोटा सिक्स और माइनस का सिक्स एक्स आयोटा, तो ये हो गया सिक्स एक्स आयोटा, क्योंकि भाई टू ये है और ये बाहर माइनस। अब यहां पर करें तो क्या हो गया एक्स आयोटा, तो माइनस का एक्स आयोटा, तो माइनस का एक्स आयोटा माइनस का वन आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस का प्लस और ये हो गया प्लस का फोर इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हुई अपनी बात, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो मेरी बात सुनिए, थ्री वाई स्क्वायर से थ्री वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, और माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट, फोर से माइनस फोर कैंसिल आउट, बसा क्या, यहां तक देखिए थ्री एक्स स्क्वायर से थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस थ्री से प्लस थ्री कैंसिल आउट, सिक्स एक्स आयोटा से एक्स आयोटा कैंसिल आउट और फोर से माइनस फोर कैंसिल आउट, अब बसा क्या देखिए, तो देखिए इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड, जो डी जेड होगा वो आपके पास में यहां बाहर आयोटा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन से वन ये बसा आपके पास में, देखिए एक सिक्स आयोटा वाई तो बारह आयोटा वाई, 12 आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा, ये आयोटा देखिए ये हो गया प्लस ये आपके पास है बचा 2 आयोटा इनटू डी वाई प्लस इस इंटीग्रेशन में बात करें माइनस 1 से 1 क्या बचा, एक तो माइनस का 12 एक्स आयोटा, ठीक है, माइनस का से और प्लस के बसे आपके पास है 1 और 1 2 और डीएक्स, ये इंटीग्रेशन बचा है। अब इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, टाइम काफी हो गया है, तो यहां से मैं इसको साफ करता हूं, देखिए अब मेरी बात सुनिए, क्या आ गया वैल्यू, इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड का मान क्या वैल्यू आएगा, देखिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, आयोटा बाहर रहने देते हैं
इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 12 आयोटा वाई स्क्वायर बाई टू, 12 आयोटा वाई स्क्वायर बाई टू और प्लस का 2 आयोटा वाई, इंटीग्रेशन है माइनस वन से वन, माइनस वन से वन, 2 आयोटा वाई और वाई स्क्वायर बाई टू और प्लस का यहां आएगा आपके पास है माइनस का 12 एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस का 2x और माइनस वन का वन। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी देखिए, आयोटा बाहर रहने देता हूं, 12 आयोटा वाई स्क्वायर बाई टू तो 6 हो गया और y का मान आपके पास 1 रखा तो 1 प्लस यहां रखा आपके पास देखिए तो 2 आयोटा y का मान 1 फिर माइनस रखा तो माइनस का 6। अरे भाई इंटीग्रेशन के कारण माइनस लेकिन y स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा 6 और ये भाई आयोटा भी तो है यहां साथ तो यहां रखना आयोटा आएगा। ठीक है और माइनस का 6 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस लेकिन y का मान माइनस वन रखेंगे तो प्लस ही आएगा तो प्लस क्या आ गया भैया आपके पास में 2 आयोटा और यहां पर आपके पास में बच रहा है देखिए माइनस का 6। ठीक है x स्क्वायर का मान और प्लस का 2 और ये माइनस है और इंटीग्रेशन के कारण आपके पास में माइनस का माइनस प्लस हो गया और यहां पर x स्क्वायर रखेंगे तो आपके पास में 6 आएगा और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस तो ये हो गया 2। ठीक है तो क्या वैल्यू आ रही देखिए 6 आयोटा स्क्वायर, चलो और दो जोड़ देते 8, 6 आयोटा से 6 आयोटा कैंसिल आउट, 2 आयोटा 2 आयोटा कितना हो गया 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है और यहां पर देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट क्या बच रहा है प्लस का 2 × 2 = 4, 4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0 इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन आवर सी 3z स्क्वायर प्लस आयोटा z माइनस 4 इनटू dz बराबर 0। ठीक है हेंस लिख सकते हैं कोसी थ्योरम प्रूव। ठीक है तो ये अपना कोसी थ्योरम था वो प्रूव हो गया। तो ये तो था अपना कोसी थ्योरम के ऊपर सत्यापन को लेकर क्वेश्चन। नेक्स्ट में अपन और बात करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को और उसके बाद में अपन कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी तक अपन कोसी इंटीग्रल थ्योरम की बात कर रहे थे, अब आगे अपन कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे।